खबर रायसेन जिले के मंडीदीप से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रायसेन जिले के वरिष्ठ नागरिकों ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पर हमले को लेकर जश्न व मिठाइयां बांटी। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके विषय में आज दिन भर से आप टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप दिन भर से प्रतिक्रिया देख रहे हैं। आज पूरा राष्ट्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जैसे ये खबर लोगों को टेलीविजन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लगी, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी। हमारे जांबाज सैनिकों ने जिस तरीके से वायुसेना के जांबाज लड़ाकों ने अपराह 3 बजे जब वहाँ पर जो आतंकवाद की फैक्ट्री थी उसको खत्म किया, अभी तक हमारे सैनिक आतंकवाद के और आतंकवादियों को खत्म कर रहे थे, लेकिन पहली बार हमारे जांबाज सैनिकों ने आतंकवाद का निर्माण होता था, आतंकवाद की जो फैक्ट्री थी उसको तहस नहस कर दिया। मैं उनको आपके इस मीडिया के माध्यम से उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो 12 दिन से हमारा देश, जब जो 14 तारीख को हमारे यहाँ पुलवामा में जो घटना हुई थी उसके बाद से हम लोग बड़े पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं सबके मन दुखी थे, लेकिन हम उनको तो, हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे उनको तो जिंदा वापिस नहीं कर सकते, ये विधि का विधान है। लेकिन आज उनकी आत्मा कहीं ना कहीं, जब भी वो कहीं पे भी होंगे, उनकी आत्मा आज धन्यवाद दे रही होगी, संतुष्ट हो रही होगी कि आज उनकी जो शहादत हुई है उनका वीर सैनिकों ने आज बदला लिया। नरेंद्र मोदी जी ने 14 तारीख को जो कहा था कि हमारा देश अहिंसक देश है, हम कभी किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमें जब कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जो कहा वो आज करके दिखा दिया। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को और हमारी सेना को सैल्यूट कर रहा है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को और सीएनए का तीनों अंगों को अपनी ओर से उनको प्रणाम करता हूँ, और उनको जो जिस तरीके से उन्होंने जो वीर आज जो कारनामा करा है उनको सैल्यूट करता हूँ, और आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सैनिकों का ऐसे ही मनोबल बना के रखें, जो कि जिस तरीके से हमारी सेना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है, उनका मनोबल अगर बना रहेगा तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं हमारा दोबारा हमारे देश में नहीं हो पाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। देश में इससे पूर्व में भी जिस प्रकार के आतताई आतंकवादी द्वारा हमले किए गए, पाकिस्तान की जो सरकार है वह जैसे मोहम्मद के लगातार प्रयासों के बाद बनी है। पूरा समर्थन आतंकवादी जो संगठन है वहाँ का, पाकिस्तान का, उसने समर्थन दिया तब वहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है इमरान खान देश की गद्दी पर बैठ पाए, क्योंकि वो खुद आतंकवाद से ग्रसित है। आतंकवादी लोगों के माध्यम से सरकार बनाते हैं और फिर ये कहते हैं कि भारत ने चुनाव को देखते हुए ये हमला किया है। मैं इस आपकी इस न्यूज़ के तहलका.com के माध्यम से ये संदेश उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कायराना हरकतें अगर आप करते रहोगे तो बार बार इस प्रकार के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आप पर आक्रमण करते रहेंगे। भारत वर्ष की वायुसेना के द्वारा जो 14 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा भारत की सेना के ऊपर कायराना हमला किया था, उन 40 जो सैनिक शहीद हुए थे उसका बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 400 सैनिक, 400 जो आतंकवादी थे, जो इस देश में फौजी तैयार करते थे, आतंक के फौजी, जहां आतंक की फैक्ट्री जिन्होंने लगा रखी थी, उनके अड्डों को खत्म कर दिया, उनके सैनिक जो अड्डे थे उनको ठिकाने लगा दिया। आज देश इस बात पर गर्व कर रहा है, जो 40 सैनिक शहीद हुए थे उनके माता पिता भी आज गर्व महसूस कर रहे होंगे। मैं बताना चाहता हूँ भारतवर्ष की इस सेना की कामयाबी, आपको याद होगा दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में छुपा हुआ था, अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने वहां जाकर दाऊद इब्राहिम को खत्म किया था, और एक इस विश्व के अंदर भारतवर्ष है जिसने पाकिस्तान में घुसकर उन 40 जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनका बदला उसी तर्ज पर लिया है। मैं तीनों सेनाओं के जो जवाब सिपाही थे और जो सेना है
उनको नमन करता हूँ, उनके आके अपना मस्तक झुकाता हूँ और देश के नागरिकों से, युवाओं से, मजदूरों से, भाइयों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस देश की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़े आप अपना खून का एक एक कतरा बहा देना। देश हित में सही काम किया मोदी। और इसके अलावा क्या आप देना चाहते हित में? अच्छा हुआ, होना चाहिए था, आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। राष्ट्रहित में जो किया गया है वो तो उचित है और ऐसा कड़ा जवाब और आगे भी देना है। वर्तमान परिस्थिति में जो किया गया बहुत अच्छा किया है, तो देश की जनता में आक्रोश था, उसको आक्रोश को कम करना भी जरूरी था। इससे ये जो घटना घटी है पूरे विश्व में एक इसकी चिंता व्यक्त की गई है। देश के अपने विश्व के अन्य राष्ट्रों ने भी इस पर आतंकवाद पर अपना विचार प्रकट किए हैं। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। तो साहब ये तो होना ही था, 70 साल से हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। वो बार बार मतलब उसको समझाने बाजी को समझ में आता नहीं है उसको। ये कार्रवाई तो बहुत उचित हुई है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि राष्ट्र पहले, राष्ट्र बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्र इसमें जो भी हुआ वो तो अच्छा हुआ। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से अभी पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे और हुआ तो हुआ क्यों, वहीं एक नए विवादित बयान दे रहा है कि जो आपके मध्य प्रदेश अपने भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो उन्होंने ये जिस तरह से हमला किया है वो एक स्टंट के रूप में किया है। और स्टंट की अगर बात करते तो आगामी आने वाले चुनावों को, लोकसभा चुनावों को देखते हुए हमला किया गया, उनका कहना है ये इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान गलत बोल रहा है, इसमें राजनीति कोई है ही नहीं है ना। वो तो अपना बचाव कर रहे हैं पब्लिक को खुश करने के लिए। राजनीति कुछ नहीं है इसमें। वो तो जो उसने किया उसको फल उसको मिलना है और आगे भी मिलता रहेगा, करता रहेगा। तो हमारा ये है कि पाकिस्तान सुधर जाए तो अच्छी बात है, तो पाकिस्तान नाम दुनिया से खत्म हो जाएगा, ऐसा प्लान है भारत का। हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और रही बात की जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट है बीजेपी द्वारा, ये पूरी तरीके से गलत है। यदि कांग्रेस पार्टी का शासन होता तब भी इसी तरीके से एक्शन लिया जाता। राजनीतिक दल इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, जैसा कि लोगों ने बना रखा है इस मुद्दे को। जैसा कि हमला हुआ था 14 फरवरी के दिन भारत पर, तो भारत के दिल पर हमला हुआ था। वो जनता का आक्रोश देखने को मिला था, उसी का परिणाम है। भाई मोदी जी के हाथ में इस समय देश है तो वो भी कब तक शांत बैठते? उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और सर्जिकल स्ट्राइक 2 के नाम से ये जो अटैक करा है ये पाकिस्तान के ऊपर ही नहीं, आतंकवाद के ऊपर एक करारा जवाब है। इस काम के लिए किसी नेता को श्रेय देना मैं नहीं मानता सही है। ये काम है सेना का और हमारी सेना बहुत मजबूत है। हमने पहले भी 3 युद्ध लड़े, 65 का युद्ध कमजोर हो गए थे, लेकिन 71 और 65 का युद्ध हमने बहुत अच्छा ही लड़ा है और जीते भी। ये पहली बार नहीं हुआ, जो भी काम हुआ ये पहले हो जाना था 2014 के लगभग ही। पत्थरबाजों पर कार्रवाई जरूरी है, उनका जो पत्थरबाजी ये कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना।